ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं सुंदर मूर्ति के जीवन चरित्र के बारे में। भगवान शिव के प्रतिबिंब, भगवान शिव के परम सखा और चार आचार्यों में से एक सुंदर मूर्ति के बारे में। पिछले वाले भाग में आपने जाना कैसे सुंदर मूर्ति और श्रृंखला का विवाह हुआ और भगवान शिव के साथ जब सुंदर मूर्ति ने मित्रता का लाभ उठाना चाहा और स्वामी से कहा कि आप लिंगम में व्याप्त मत रहना, बाहर बकुल वृक्ष में व्याप्त रहना, तब भगवान ने भी सुंदर मूर्ति के साथ खेल कर दिया था। ये वीडियो जिन शिव भक्तों ने नहीं देखी है पिछला वाला भाग, तो यहाँ आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं। सुंदर मूर्ति ने शपथ ले ली थी कि वो श्री बंधकपुर यानी त्रिवोट्टियूर को छोड़ करके, श्रृंखला को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। बहुत समय बीत गया दोनों को साथ रहते हुए। एक दिन बहुत ठंडी हवा, एक शीतल हवा जब सुंदर मूर्ति के शरीर को स्पर्श हुई, तब सुंदर मूर्ति को अनायास ही अचानक त्यागराज स्वामी की याद आ गई, परवा की और कमलाले की याद आई। कमलाले में स्वामी त्यागराज नाम से प्रतिष्ठित हैं। सुंदर मूर्ति को जब त्यागराज की याद आई तो सुंदर मूर्ति का मन हुआ त्यागराज के दर्शन के लिए, और वो अकेले ही बिना बताए रात को ही श्री बंधकपुर से बाहर निकलने लग गए, कमलाले जाने के लिए तैयार होने लग गए। किंतु जैसे ही उन्होंने श्री बंधकपुर की सीमा लांघी, श्री बंधकपुर या त्रिवोट्रियोर से बाहर निकले, स्वामी ने शपथ झुटलाने की वजह से सुंदर मूर्ति को अंधा कर दिया। शपथ झुटलाने के दोष की वजह से सुंदर मूर्ति की दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई और साथ ही उन्हें कोढ़ का रोग भी हो गया था। सुंदर मूर्ति बहुत दुखी हुए। वो श्री माधवीपुर पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने स्वामी के लिए गीत निवेदित किए, किंतु स्वामी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। फिर वो छायापुरेश्वर पहुंचे, वहां पर भी भगवान चुप रहे। इसके आगे फिर वो बिल्कुल अंधा होकर भी वो त्यागराज कमलाले की ओर चले जा रहे थे। जब वो श्वेतपुरेश्वर पहुंचे, जिसे अभी त्रिवनपाकम के नाम से जाना जाता है, वहां उंड्रियूर मंदिर जाकर के उन्होंने स्वामी के लिए गीत निवेदित किए, किंतु स्वामी चुप रहे। इसके बाद सुंदर मूर्ति ने गुस्से में आकर के कहा, क्या कि इस मंदिर में शिव है भी या नहीं? तब स्वामी ने मानो भक्त के लिए डरते हुए कहा कि सुंदर मैं यहीं पर हूँ। और सुंदर मूर्ति को चलने के लिए उन्होंने एक छड़ी प्रदान की। सुंदर मूर्ति को डायरेक्ट स्वामी से एक छड़ी प्राप्त हुई, जिसके सहारे वो, या फिर आप वैसा कि जो कुछ भी, जिसके सहारे एक अंधा व्यक्ति चल सके, ऐसी छड़ी स्वामी ने सुंदर मूर्ति को प्रदान। उस छड़ी के सहारे चलते हुए सुंदर मूर्ति वटारण्य होते हुए श्री काशीपुर पहुंचे, और रास्ते में उन्होंने बहुत सारे गीत स्वामी के लिए निवेदित किए। उन्होंने गीतों में ये भी कहा कि देखिए कैसे मित्र होते हैं संसार में, खुद के पास तो तीन नेत्र हैं और अपने दोस्त की दोनों आंखें ही छीन ली। इस प्रकार आलोचना करते हुए भगवान शिव पर ताने मारते हुए सुंदर मूर्ति कांचीपुरम पहुंचे। कांचीपुरम में माँ कामाक्षी को प्रणाम करके उन्होंने एकाम्रेश्वर के समीप जाकर के गीत निवेदित किए। इसके साथ ही, इस गीत के साथ ही सुंदर मूर्ति को अपनी बाई आंख प्राप्त हो गई, लेफ्ट वाली आई प्राप्त हो गई, नया नेत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि कांचीपुरम की अधिष्ठात्री देवी माता कामाक्षी है और शरीर का वाम भाग देवी का होता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप यदि किसी भी एक जीव को देखा जाए तो वाम भाग या लेफ्ट वाला भाग स्त्री का होता है, इसलिए माँ की करुणा की वजह से बायां नेत्र सुंदर मूर्ति को सबसे पहले प्राप्त हुआ, क्योंकि माँ हमेशा करुणामयी होती है। यहाँ गीत निवेदित करके प्रसन्न होकर के सुंदर मूर्ति आगे चली। बहुत सारे शिव क्षेत्रों में गीत निवेदित करते हुए सुंदर मूर्ति कुष्ठाल नामक स्थान पर पहुंचे, जिसे तिरुकुट्टालम या तिरुतुरुत्ती नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आकर के सुंदर मूर्ति ने अपना कुष्ठ रोग दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। तब स्वामी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि सुंदर, तुम इस तीर्थ में, जो मंदिर का टेम्पल टैंक होता है या मंदिर का जो तीर्थ का तालाब होता है, उसमें स्नान करने के लिए कहा। सुंदर मूर्ति जैसे ही उस तालाब में स्नान करके, उस तीर्थ में स्नान करके बाहर आए, तो उनका शरीर पूर्ण कांतिमय हो गया था और सभी कुष्ठ, उनके जो रोग थे, वो दूर हो चुके थे। आज भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के इस तीर्थ में स्नान करने से सभी स्किन डिसीज जो होती है, सभी त्वचा के रोग दूर होते हैं। सुंदर मूर्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे और वहां से वो स्वामी को प्रणाम करके सीधे कमलाले पहुंचे। रात के समय वो कमलाले पहुंचे, किंतु उन्हें अपने कानेपन पर लज्जा रही थी, क्योंकि एक ही आंख उन्हें प्राप्त हुई थी।
इसलिए सुंदर मूर्ति अकेले में त्यागराज के समीप पहुंचे और स्वामी के समक्ष उन्होंने गीत निवेदित किए। परम करुणा में भगवान शिव ने उन्हें दूसरी आंख भी प्रदान कर दी। सुंदर मूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और वो भक्तों के समीप पहुंचे। इसके बाद सुंदर मूर्ति को परवा से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने एक दूत को परवा के घर भेजा कि सुंदर मूर्ति आई है। जब परवा ने ये बात सुनी तो उन्होंने गुस्से में कहा कि श्रृंखला से विवाह के बाद सुंदर मूर्ति अभी तक जिंदा है क्या, और उसका अब यहाँ पर क्या है। उन्होंने गुस्से में सुंदर से मिलने से मना कर दिया। और भी बहुत सारे लोगों ने और भक्तों ने प्रयास किया सुंदर मूर्ति और परवा का पुनः मेल हो जाए, किंतु परवा ने एक की भी बात नहीं सुनी। अब दुखी मन से सुंदर मूर्ति ने अपने एकमात्र परम सखा को याद किया, यानी त्यागेश्वर भगवान शिव। सुंदर मूर्ति तुरंत स्वामी के समीप पहुंचे। स्वामी नंदी पर वृषभ पर आरूढ़ थे, माँ भगवती उनके साथ थी। सुंदर मूर्ति ने प्रणाम करके भगवान से कहा कि स्वामी आपने ही मेरा और श्रृंखला का, देखिए कैसे मित्र हैं सुंदर मूर्ति, उन्होंने कहा कि आपने ही मेरा और श्रृंखला का विवाह करवाया था, जिसकी वजह से परवा नाराज हो गई है। अब आप मेरा और परवा का पुनः मिलाप करवाइए और मेरी रक्षा कीजिए। ये बात सुन करके स्वामी मुस्कुरा दिए। अब इससे आगे की कथा हम अगले भाग में जानेंगे। क्या स्वामी परवा और सुंदर का पुनः मिलाप करवाते हैं या फिर क्या बोलते हैं सुंदर मूर्ति को। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव, ओम नमः शिवाय।